हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैष्णवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी अपलोड करी थी वो वैक्सिंग पर करी थी, जिसमें मैंने बीन्स वैक्स यूज़ करी थी। एंड जब मैंने अपना शूट खत्म कर दिया था तो मुझे यहाँ पे अपने थोड़े हेयर और दिखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी हटा लूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो बीन्स वैक्स की वजह से मेरा ये एरिया देखो, आप लोग आराम से देख सकते हो, ये पूरा बर्न हो गया। एंड इट वॉज टू हॉट। मतलब मैं इस बारे में एक रिव्यू डालना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने मतलब बीन्स वैक्स जब यूज़ कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को उसके बारे में दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों के साथ एटलीस्ट ये चीज़ ना हो जो कल मेरे साथ हुई है। सो पहली बात ये है कि जब भी आप ये बीन्स वैक्स यूज़ करें, ध्यान रखिए कि आप लोग जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये ओवर हीट ना हो जाए। बीन्स वैक्स बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाती है, बहुत जल्दी हीटअप हो जाती हैं एंड ये ऐसे बर्न्स दे देंगे अगर आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि अगर आप इसको हीट करने के लिए नॉर्मल कोई वैक्स हीटर यूज नहीं कर रहे, उसकी जगह अगर आप गैस पर इसको हीट कर रहे हैं या स्टोव पर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए उस टाइम भी ये ओवर हीट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैक्स हीटर में तो फिर भी एक बार को ये ज्यादा हॉट होके मतलब इतना हुआ कि मतलब एटलीस्ट उसने फायर नहीं पकड़ी। मैंने इसको सबसे पहले ट्राई किया था स्टफ पे हीट करने के लिए एंड उस पे ये एकदम आग पकड़ ली थी इसने, जब ये ओवरहीट हो गया था। तो आप ये गलती भी ना करें, इसको ओवरहीट नहीं होने देना। ओके, थर्ड पॉइंट इज दिस कि जब भी आपका वैक्स हीटर ऑन है या फिर आप अगर गैस पे भी ऑन करके यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए अपना एप्लीकेटर उसके अंदर मत छोड़िएगा। कल आप देख सकते हैं मैंने ये वाला एप्लीकेटर यूज किया था, अभी भी इस पे इसका रेजिड्यू लगा हुआ है एंड मैंने इसको वैक्स हीटर के अंदर ही छोड़ दिया था। तो जब मैंने अप्लाई किया, एक तो वैसे ही वैक्स हीटर ऑन था, वो पूरी गर्म हो रखी थी वैक्स, ऊपर से मैंने ये भी अंदर छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये बर्न हो गया एरिया। तो आप ध्यान रखिए कि इवन प्लास्टिक का भी अगर हो, ऐसा स्टील ना हो, चाहे प्लास्टिक का एप्लीकेटर भी आप उसके अंदर ना छोड़ें, वरना प्लास्टिक और ऊपर से मेल्ट डाउन होने लग जाएगा। ये मैं आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहती थी, जिससे आप ऐसे बर्न से बचे रहें, वैक्स करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा गर्म ना लगे, आराम से स्मूथली आपकी वैक्सिंग हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।